हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ ब्लॉग्स। आज मैं यहां पर अनबॉक्सिंग करने वाला हूं निकॉन Z30, जो कि अब तक का मार्केट में बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग कैमरा माना जाता है आफ्टर सोनी ZV-10। सो ये जो कैमरा है ये 2022 में लॉन्च हुआ था और आज मैं इस वीडियो में उसका कुछ वीडियो सैम्पल्स और फोटो सैम्पल्स इंक्लूड करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ब्रांड न्यू है। वैसे मैंने इसको पहले भी ओपन कर चुका हूँ जब मैंने ये बाय करने गया था शॉप में, जस्ट टू चेक अंदर साफ सही है कि नहीं। सो लेट्स डू अनबॉक्सिंग आपके सामने। सो फिलहाल इसके साथ आती है एक डेटा केबल, ये USB टाइप सी टू USB है, और बाकी इसके साथ आते कुछ बुक्स। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेगा सारा कुछ, ZV-30 यूज़र मैनुअल, तो आप इसको चेक कर सकते बाद में। और अभी हो रहा है मेन अनरिवील। सो ये आपका एक स्ट्रैप आएगा इसके साथ, और ये इसकी बैटरी है, एक ही बैटरी मिलती है इसके साथ। वैसे बैटरी क्वालिटी अच्छी है, सुना निकॉन की बैटरी अच्छी क्वालिटी की होती है, लंबा टाइम चलती है। ये आ गया इसका लेंस, ये अपना DX1650 का है, सो फुल ब्रांड न्यू। वैसे ब्रांड न्यू के बात ही अलग होती है, इसके खुशबू अलग आती है, एकदम ब्रांड न्यू खुशबू। और ये अपना मेन, जो कि हमारा कैमरा। सो ये है ये इसका बॉडी। वैसे इसका जो वेट है बहुत ही हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, और ये एक्चुअली फील कैमरा की तरह फील देती है। वैसे अब जब ZV-10 यूज़ करोगे सोनी का, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हैंडल ग्रिप होता है बहुत छोटा सा है, और इसका क्या है एक्चुअल में बहुत अच्छा ग्रिप आता है इसका, तो इसको हैंडल करने में एक अच्छी सी फीलिंग आती है और एक अच्छी ग्रिप बनती है। वैसे इसका जो स्क्रीन है ये फोल्डेबल है, आप चाहो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे से। और इसका लेंस देखते हैं कैसा है, ये इसका लेंस है, और लेट्स इसको माउंट करके देखते हैं कैसा आता है, इसका गिनना मत। सो बेसिकली यहाँ पर आप वाइट डॉट देखोगे, यहाँ पर एक वाइट डॉट है और यहाँ पर भी एक वाइट डॉट होगा, ये वाइट डॉट, इन दोनों वाइट डॉट को यहाँ पर एक साथ अलाइन करके फिर इसको घुमा देना है, एक लॉक हो जाएगा, क्लिक साउंड आएगा, और यहाँ पर आपका ये कैमरा ऐसा दिखता है आफ्टर लेंस लगाने के बाद। तो अभी ये कैमरा मोड में है और मैं इसको वीडियो मोड में स्विच करता हूँ, जो यहाँ से टिक करोगे तो ये वीडियो मोड में आ जाएगा। सो लेट्स शूट सम फोटोज एंड वीडियोस।
हेलो गाइस, सो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ निकॉन जी 30 से। सो स्पेशली अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अगर आप ट्रैवलर हो, तो ये जो आप अपने कैमरे के सामने जो आप बोलोगे और साथ में आप डिस्प्ले को भी देख सकोगे, तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस चीज़ के लिए। लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा, डिस्प्ले जो साइड में है, इसका जो क्या है डिस्प्ले अपर साइड नहीं उठता, तो कभी कभी आपको यहाँ पर और कैमरा साइड में देखने में थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा पहली बात तो। सो बाकी जो ब्लॉगिंग सेटअप है मेरा, जो फेस बहुत ही क्लियर आ रहा है, सारा डिटेल आ रहा है, और अगर कोई बैकग्राउंड में है उसको ब्लर हो जा रहा है अगर, लेकिन इसे बहुत सारे मोड्स है, अगर आप चाहो तो वो सिर्फ आपको ही फोकस कर सकता है। अगर आप कुछ और मोड सेलेक्ट करते हो तो इसमें क्या होगा कि अगर दूसरा कोई बंदा या फिर दूसरा कोई क्रिएचर आपके सामने आता है तो वो उस पर ही फोकस कर लेगा। सो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसके बारे में सारा सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा डिटेल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करना एंड डू कमेंट। थैंक यू।